हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कहिए कैसे हैं आप फ्रेंड्स। आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड पॉपकॉर्न, और जिन्हें बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए इन्हें बनाना शुरू करते हैं। पॉपकॉर्न बनाने के लिए सबसे पहले हमने ब्रेड ले लिए हैं, और ब्रेड को हमने इस तरह से इक्वल साइज़ में कट कर लिया है, और इसके बाद इन्हें छोटे छोटे पीसेस में कट करके रख लिया है सारे ब्रेड को। और गैस पर हमने कढ़ाई को रख लिया है बिल्कुल लो फ्लेम पर, तो सारे ब्रेड कढ़ाई में डालकर इन्हें हमें ड्राई रोस्ट करना है, और गैस को रखना है लो टू मीडियम। तो ब्रेड हमारे अच्छे से ड्राई रोस्ट हो चुके हैं, तो अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं। और उसके बाद कढ़ाई में हमने 2 बड़े चम्मच चीनी ले ली है, और 1 बड़ा चम्मच हमने पानी ले लिया है, और इसको लगातार चलाते हुए इसकी एक गाढ़ी चाशनी बनाकर तैयार कर लेनी है। और चाशनी तैयार होने के बाद जो ब्रेड हमने ड्राई रोस्ट करके रखे थे वो हम इसमें डाल देंगे, और गैस को हमने बंद कर लिया था, और अब इन्हें हम लगातार चलाते रहेंगे। और इनको लगातार चलाते हुए बिल्कुल ये धीरे धीरे ठंडा होने लगते हैं, और चीनी हमारी एकदम सूख जाती है। तो इस तरह से चीनी हमारी बिल्कुल सूख गई है ठंडा होने पर, और अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं बिल्कुल ब्रेड पॉपकॉर्न मीठे वाले हमारे बनकर तैयार हो गए हैं, और ये खाने में बहुत ही यम्मी बने हैं, और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं। तो एक मैं आपको तोड़कर भी दिखा रही हूँ, और इसके बाद बनाएंगे हम नमकीन फ्लेवर वाले। तो ये हमारे ब्रेड पॉपकॉर्न बनकर तैयार हो चुके हैं। तो आपको पसंद आए हो तो आप इन्हें एक बार ट्राई ज़रूर करें। और इधर हमने नमकीन फ्लेवर वाले पॉपकॉर्न बनाने के लिए कढ़ाई को रख लिया है गैस पर, और इसमें हमने 2 स्पून ऑयल ले लिया है, और गैस को हमने रखा है लो फ्लेम पर। और 1/2 चम्मच पिसी हुई काली मिर्च, 1/4 चम्मच नमक। नमक हम कम ही लेंगे क्योंकि ब्रेड में ऑलरेडी नमक होता है। और ये 1/2 चम्मच चाट मसाला, और इन तीनों सामग्री को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद जो ब्रेड पॉपकॉर्न हमने तैयार करके रखे हैं, ड्राई रोस्ट करके रखे हैं, उन्हें हम इसमें डाल लेंगे, और इन्हें अच्छे से मिक्स करके मसाले को अच्छे से कोटिंग कर लेंगे मसाले की ब्रेड के ऊपर। और आप चाहें तो अपनी चॉइस के मसाले इसमें और भी ऐड कर सकते हैं, बट मैंने इनको लाइट फ्लेवर में ही बनाया है। तो इनको भी हमने एक प्लेट में निकाल लिया है। तो फ्रेंड्स, ये मसाले वाले यम्मी पॉपकॉर्न हमारे बनकर तैयार हो गए हैं, और ये भी खाने में बहुत टेस्टी बने हैं। आप इन्हें चाय के साथ भी ले सकते हैं, और इन्हें आप एयरटाइट डब्बे में स्टोर करके रखें, और खुला रखने पर ये थोड़ा नमी सोख लेते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।